ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.7 को शुरू करने वाले हैं। देखिए 5.7 एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी है, ठीक है। 5.6 से भी इजी है, बस इसमें नया चीज़ ये है कि आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। दो बार, जैसे आपने अभी तक एक बार डिफरेंशिएट किया था ना, अब उसी को फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप इसको बनाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा, आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.7 को। 5.7 एक्सरसाइज बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही ईजी। 5.6 तो ईजी ही है। देखिए इसमें नया चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन करना है। कितना बार करना है? दो बार डिफरेंशिएशन। मतलब नहीं समझे अच्छे से, जैसे आपने 5.2 एक्सरसाइज पढ़ा है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन करना एकदम नॉर्मल दिया जाता कि इसको भाई आप डिफरेंशिएट करिए, तो क्या करते इसका 2x हो जाता, 3 हो जाता और इसका 0 हो जाता। आ रहा समझ में? यानी कि वो आप फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएट करते, यानी कि एक बार उसको डिफरेंशिएट करते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो बार डिफरेंशिएट करना है। अब उसी चीज़ को जो आपका निकला है ना फर्स्ट ऑर्डर का, अब उसी को डिफरेंशिएट करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 3, तो 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट फिर से, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आया समझ में? नहीं आया? बहुत ईजी है, अभी बनाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो आप बोलिए कि y तो कहाँ है, y हम इसको मान लेंगे, हम इसको y मान लेंगे, y y y y सबको मान लेंगे, और ये आपका फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए यहाँ पर एक डंडा दिख रहा होगा, f के ऊपर यहाँ पर एक डंडा दिख रहा होगा, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएट करिए। अगर यहाँ पर दो रहता तो कहते कि दो बार डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। आ रहा समझ में? लिखा हुआ है ना कि f डेरिवेटिव x, इसको यानी कि f डेरिवेटिव x कहते हैं दोस्तों। बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दूसरा बार डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि d का पावर 2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। यानी कि जब दूसरा बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इस तरह से लिखेंगे। अभी सब अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग, यानी कि दो ठोर डंडा लग गया ना यहाँ पर, यानी कि उसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है, चलिए निकालते हैं। बहुत ही इजी है, बनाएंगे तब अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.7, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये है आपका फंक्शन ऑफ x, यानी कि कैसा लगता है ये देखने से? आपको सबसे पहले इसको लेना पड़ेगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो लेट y, मानिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना दोस्तों, और फिर इसके बाद क्या करिए कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। डिफरेंशिएट, थोड़ा स्पीड में बनाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अब y के जगह पर ये पूरा था, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके। सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो इसका डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएट करिए। इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारा जो एक बार जो डिफरेंशिएट किए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या निकला, फर्स्ट ऑर्डर निकला 2x प्लस 3। लेकिन बात यहाँ पर किया जा रहा है क्वेश्चन में कि सेकेंड ऑर्डर निकालना है, यानी कि अब इसी को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे ना कि इसको करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया है जो डिफरेंशिएट करने के बाद,
अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर इसमें डिफरेंशिएशन करिए जी, कैसे करेंगे? तो अब जो है क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा कि अगर डिफरेंशिएशन को फिर से दूसरा बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी को, तो ये कैसा हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर सेम रहेगा एकदम, यानी कि इसी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, फिर से ना कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट। तो इस तरह से लिखिएगा डी बाई डी एक्स, ये नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पर कि डी स्क्वायर लिख दिए या डी एक्स स्क्वायर लिख दिए, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था, अगेन डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, टू और इसका जीरो। आगे समझ में, यानी कि हमारा जो मेन जो मकसद था आंसर निकालने का वो हमारा निकल गया। यही आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएटिंग है। कितना आया आंसर, टू आया। अब इसी तरह से आगे भी बनाना है, बहुत ही इजी है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब साफ साफ है कि दो बार डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी जल्दी से बनाते हैं, बहुत इजी है ये तो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करना है, सबसे पहले तो लेट वाई स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है दोस्तों, फिर इसके बाद डिफरेंशिएटिंग करना है दोनों तरफ, ठीक है, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 20। ओके, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 20 जो है आगे आ जाएगा, बहुत इजी है, सिंपल सा है, और एक पावर कम हो जाएगा यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में अच्छे से? ये आपका एक बार डिफरेंशिएट हुआ, अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको अपना डिफरेंशिएट करना दोस्तों 20x का पावर 19, ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, बहुत इजी है। तो 20 तो आगे है, या तो 19 भी लिख सकते हैं, आगे 19 भी लिख सकते हैं, 19 × 20, अब एक पावर कम हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 18। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा, 20 तो 900, 9 × 18, 100, 2 × 2, और इधर हो गया 380, ठीक है, 380x⁻¹। आया समझ में दोस्तों, बहुत ही इजी था, ये आपका डबल डिफरेंशिएशन निकल चुका है, यही तो हमारा मेन आंसर था। चलिए जल्दी से अब हम थर्ड में पढ़ते, देख रहे कितना इजी है, थर्ड x इंटू कॉस x, सबसे पहले क्या करना है, लेट y, ठीक है, डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जैसे लिखा हुआ एकदम मजे से लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहां पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी डिफरेंशिएशन होगा और ये भी डिफरेंशिएशन होगा, और इसके बीच में है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों, तो यानी कि इसको हमको u लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, तो u इंटू v के हिसाब से इसको बना दीजिए। तो सबसे पहले u को आराम दीजिए, डिफरेंशिएट करिए v को, ठीक है, और बीच में प्लस आता है, अब जो है उल्टा काम करना है इसका,
भी को आराम देना है और यू को डिफरेंशिएट करना है। ओके चलिए बनाया जाए जल्दी से। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स है एक्स लिख दीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन, बहुत इजी था ना। डी वाई बाई डी एक्स, अब ये जो माइनस है इसको आगे बुला लीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, इसको घुमा दीजिए, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लगने वाली बात नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आया समझ में, बहुत ही इजी था। तो चलिए ये तो हमारा निकला एक बार डिफरेंशिएट कर किए अभी तक, तो अब हमको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करिएगा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके ये आपका नया था, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद लिखिए कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर जो रिस्पेक्ट टू एक्स है इसमें भी होगा डिफरेंशिएशन, इसमें भी होगा। अब देखिए इसको क्या करिए कि ये तो बड़ा ही इजी वे में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा इसका, लेकिन फिर इसमें यू इंटू वी लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि बांट लेते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, बांट लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, माइनस है यहाँ पर, तो संभलना है आपको, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है सारे में सारे मल्टीप्लाई हो जाता है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स साइन एक्स। चलिए अब यहां से कंटिन्यू करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करिए कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस एकदम आराम से बनाना है, एकदम आराम से, इसको यू इसको वी, ठीक है। तो यू को आराम दीजिए, डिफरेंशिएट करिए साइन एक्स को, बीच में प्लस, और फिर इसके बाद साइन एक्स को आराम दीजिए और डिफरेंशिएट करिए एक्स को। ओके डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। ओके जी माइनस लिखिए आराम से। अब सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर साइन एक्स इंटू वन। आगे समझ में, हमने डिफरेंशिएशन बड़ा ही आसानी से कर लिया है। डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसीलिए हम ऐसा किए थे दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज़। इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये देखिए साइन एक्स मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, तो ऐसा करिए कि सीटी बहुत बज रहा है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, घर में लगता है खाना बन रहा है। इसमें आप ऐडअप करिए, सबसे पहले ऐडअप करेंगे तो माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो देख रहे हैं यहाँ पर माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस क्यों ना हम कॉमन ले लें, ठीक है। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। आ गया समझ में, कितना इजी था, यही तो था हमारा मेन आंसर, निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, घुमा सकते भी हैं, एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये लिखिएगा कोई नहीं काटेगा, ये भी लिखिएगा तो कोई नहीं काटेगा, वही चीज़ है, दोनों सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है। बड़ा ही इजी लगता है देखने से, लगता है ना, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करिए उस 2 बार।
ऐसा करते हैं कि अच्छे से लिखते हैं पहले, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते ही हैं कि 1/x होता है, ठीक है। हमने एक बार इसका डिफरेंशिएट कर लिया, फिर से हम हमको दूसरा बार डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब क्या करना है हम लोग को, एकदम आराम से देखिए, दो बार ना डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/x, तो आप सोच रहे होंगे कि 1/x को डिफरेंशिएट कैसे करें, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। सबसे पहले तो x को ऊपर उड़ा लीजिए, ऊपर उड़ाइएगा तो ऐसा बन जाएगा ना, फिर इसके बाद ये -1 को आगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 आगे आ जाएगा, इसका -1 फिर एक और -1 हो जाएगा, इस तरह से कितना इजी है, सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है। -1 इंटू एक्स करिएगा तो -x हो जाएगा, अब इसमें एड अप करिए तो -2 हो जाएगा। आ रहा समझ में अच्छे से सब चीज़, बहुत ईजी है। अब आ तो गया, सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा करिए कि ये जो जहाँ से आया था इसको वहाँ भेज दीजिए, तो यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, यानी कि माइनस ये नीचे जाएगा तो -1/x² हो जाएगा ना, आ रहा समझ में, इस तरह से बन जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर देखिए, इतना जल्दी जल्दी बन भी गया, कितना इजी है ना। 5 नंबर में x³ log x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू x³ log x, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई के जगह पर एकदम मजे से लिख दीजिए, कोई घबराना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए डिफरेंशिएट ये भी होगा, डिफरेंशिएट ये भी होगा, ठीक है, आ रहा सन में सब चीज, डिफरेंशिएट ये भी होगा और वो भी होगा, तो इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि x³ को आराम दिया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए log x को, फिर यहाँ पर log x को आराम दिया जाए, x³ को डिफरेंशिएट किया जाए, x³ log x का डिफरेंशिएशन 1/x, कितना इजी हो गया ना, क्योंकि x x कटेगा, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करिएगा तो 3x² आगे समझ में, काटिए। x² प्लस इसको आगे बुला लीजिए, अब आ जाओ बाबू। अब देखिए x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, x² को कॉमन लीजिए, यहां पर हो जाएगा 1+3 log x, सिंपल सा था, ठीक है, तो आ गया ना समझ में, बहुत इजी है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो है हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये तो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, पर यही रहने दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको आप ही सोचिए डिफरेंशिएट करिएगा, जब डिफरेंशिएट करिएगा तो इसको और इसको सेपरेट डिफरेंशिएट जब करिएगा तो कितना इजी हो जाएगा ना, इसमें फिर प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पर x² है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा करिए कि इसको मत लिखिएगा मेरे तरफ से, इसीलिए हम जान बूझ करके लिखे थे कि इसको मत लिखिएगा, ओके। चलिए अब हमारा जो मेन आंसर है यानी कि ये है, आ रहा समझ में, इसको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, हम कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा करिए कि अगेन डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ले रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 x² लॉग एक्स। अभी इसको बांट लीजिए, ये तो हम बड़ा इजी वे में कर लेंगे, फिर यहाँ हमको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बांट लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, कंफर्ट जोन में रहना हम लोग को, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 3 जो है कांस्टेंट नंबर है, क्यों ना इसको बाहर निकाल दिया जाए पहले ही से, और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, अब आराम से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, 3 वैसे ही रहेगा, 3 सबसे मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन ही है इधर, लेकिन इसका जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिएगा तो प्लस आएगा, इसलिए 3 को बाहर रखिए। एक्स स्क्वायर को छोड़े, डिफ्रेंशिएट किए लॉग एक्स को, फिर लॉग एक्स को छोड़े, डिफ्रेंशिएट किए एक्स स्क्वायर को, इजी। यहाँ से कंटिन्यू किया जाए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 2x प्लस, अब 3 जो है एकदम मजे से वैसे ही रहने दीजिए, अभी डिफरेंशिएशन करिए, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, एक्स कट गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 2x, एक्स प्लस 2x को आगे खींच लीजिए, लॉग एक्स, ठीक है, आ रहा समझ में, बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत इजी। अब क्या करना है कि इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 2x, इससे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x हो जाएगा, और 3 2 6x लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो 2x है 3x है, क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना, सेम सेम जाति का है, ओके, आ रहा है समझ में, सब चीज़ बहुत ईजी है दोस्तों। फिर इसके बाद डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐड अप कर लीजिए, 5x प्लस 6x लॉग एक्स हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर है, अगर आप चाहें तो और मॉडिफाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर x और इसमें भी x है, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, या वो भी आंसर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई काट थोड़ी ना देगा, किसी का हिम्मत ही नहीं है काटने का। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लॉग एक्स लिख दीजिए, एक्स और एक्स हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर में बढ़ते हैं, 6 नंबर क्या है, ई टू द पावर एक्स साइन 5x, ई टू द पावर एक्स साइन 5x, सबसे पहले काम है कि लेट वाई इज इक्वल टू साइन 5x, ठीक है, और डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ, ओके। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं सिंपल वे में, बहुत इजी है ना, ये तो बहुत ही इजी है, कोई दम ही नहीं है इसमें, और साइन 5x, इसमें भी देखिए ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो जल्दी से लगाइए इसमें, डिफरेंशिएट करिए, ई टू द पावर एक्स को छोड़िए, डिफरेंशिएट करिए साइन 5x को, बीच में प्लस, फिर उसके बाद साइन 5x को आराम दीजिए, डिफरेंशिएट करिए ई टू द पावर एक्स को, दिख रहा है, टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन 5x का डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए साइन भी डिफरेंशिएट होगा, 5x भी डिफरेंशिएट होगा, तो साइन का क्या होता है, cos 5x पहले लिखिए, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करिए 5x को, और फिर इसके बाद साइन 5x, ई टू द पावर एक्स का पता है थेटर है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना भी कोशिश करिएगा ई टू द पावर एक्स ही होगा। अब अगले स्टेप में याद रखिए क्या करना हम लोग को, अगले स्टेप में सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, भीड़ कम करना है ना,
ई टू द पावर एक्स कॉस 5x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, 5 ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस ई टू द पावर एक्स से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इस तरह से हो जाएगा, बन तो गया, यानी कि 5 को बस आगे बुला लीजिए, हो गया dy बाई डी एक्स 5e2x cos 5x प्लस ई टू द पावर एक्स साइन 5x। आ रहा सच में? बहुत इजी है, बहुत इजी। चलिए अब इसमें ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉमन आप निकाल सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको माइंड मेकअप करके चलना होगा दोस्तों, क्योंकि आगे फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से सुनिएगा, आगे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? तो ई टू द पावर अगर एक्स हम कॉमन निकालते हैं तो हमको प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना डिफरेंशिएट करने में, ये भी देखना है। कॉस 5x साइन 5x, तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है, ये आपको यू मान लेना है और इसको पूरा को भी मान लेना है, ठीक है? आ रहा समझ में? तो आप बोलिए कि इसमें क्यों नहीं ऐसे ले सकते थे? ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, ठीक है ना? बस इसमें क्या हो जाता कि सेपरेट, इसमें भी सेपरेट करके निकालना पड़ता, तो ये इजी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये इजी है। तो आप इस तरह से बनाइए, तो अगेन डिफरेंशिएट करिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर सब में डिफरेंशिएशन लगाइए, ई टू द पावर एक्स 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है? इसको अब आप क्या मानिए? यू। इसको क्या मानिए? भी। देखिए ये आपका यू है ना, इसको आराम दीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए किसको, पूरे को, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, फिर इसके बीच में प्लस, अब आराम किसको देना है? इसको, तो इसको आराम दीजिए, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, डिफ्रेंशिएट किसको करना है? ई टू द पावर एक्स को। आया समझ में? बहुत ही इजी दोस्तों, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से बन जाएगा ई टू द पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये तो 5 तो 5 ही रहेगा, कांस्टेंट नंबर है, कॉस 5x को डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स सबसे मल्टीप्लीकेशन होगा, इसीलिए आप इसको बाहर रखिए, हेड है ये, सबसे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 5 वैसे ही रहेगा, कॉस 5x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? माइनस साइन 5x, तो 5x को भी तो डिफरेंशिएट करना है, कन्फर्म 5x, ओके? ये यहाँ तक हुआ। अब जो है ध्यान से समझिएगा, साइन 5x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, साइन 5x को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो कितना आएगा? बीच में प्लस है ना, तो प्लस दीजिए, नहीं आ रहा समझ में, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 5 है, इसको डिफरेंशिएट हमने किया माइनस साइन 5x, ठीक है? फिर 5x को भी तो करेंगे, जी, कर दिए, फिर यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका, फिर बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया हमने, साइन 5x को अब डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? तो साइन 5x को जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा कॉस 5x, फिर उसके बाद 5x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, 5x, ठीक है? यहाँ तक पूरा काम हो चुका है, अब आगे यहाँ से पूरा खेलिए, इसको एकदम जस्ट टू जस्ट रखना है, एकदम शांत, प्लस है, प्लस लिखिए, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ओके। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? ई टू द पावर एक्स होगा, तो ई टू द पावर एक्स जो है वो सारे के सारे में मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इस तरह से ई टू द पावर एक्स सिर्फ मत लिख दीजिएगा, ब्रैकेट करके लिखिएगा, ठीक है? ई टू द पावर एक्स भूलिएगा मत ये चीज़, ये सब बहुत मेन मेन चीज़ है दोस्तों, ई टू द पावर एक्स सारे में मल्टीप्लाई होगा। चलिए
यहाँ तक तो काम हो गया। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस को आगे बुला लीजिए माइनस, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं सबसे पहले जो है ना डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, और cos 5x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करिए, फिर आगे है प्लस 5, यहाँ से प्लस है ना, सॉरी प्लस। देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए आराम से, e टू द पावर x को आगे बुला लें, इसके जैसा बुला लेते हैं, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि -5 और ये आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आगे बुला लीजिए। डी बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है, कोई दम नहीं है, आप बनाइएगा तब समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -25 साइन 5x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिखिए 5 cos 5x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स, जैसे लिखा हुआ है जस्ट टू जस्ट लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट है। ओके, आ गया यहाँ तक समझ में। अब क्या करें, ई टू द पावर एक्स इसमें भी है, ई टू द पावर एक्स में भी है, तो ऐसा करिए कि कॉमन ले लीजिए e टू द पावर x को, तो जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिख दीजिए मजे से, साइन 5x प्लस 5 cos 5x, यहां पर बीच में क्या है प्लस है ना, तो प्लस लिखिए e टू द पावर x, सावधानी से बनाइएगा दोस्तों, e टू द पावर x क्यों लिखेंगे, e टू द पावर x तो हमने कॉमन ले लिया है ना, ये लिखना होगा पूरा, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर देखना है कि कौन कौन सेम जैसा है, जो जो सेम जैसा होगा उसको जोड़ घटाव कर लेंगे मजा से। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, आराम से, घबराना नहीं, आराम से देना है ध्यान। -25 साइन 5x है, इसके जैसा खोजिए कहाँ है, यहाँ है ना, इसके आगे 1 है, इसके आगे क्या है 1 है, इसके आगे 25 है, तो बड़ा साइन कौन है, ये है, घटेगा यानी कि, और देखिए इसमें 5, यहाँ पर कॉस 5x है, इसमें भी कॉस 5x है, प्लस है इसके आगे भी प्लस है, तो जुटेगा, जोड़ लीजिए मजे से, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट घटाइए तो -24 साइन 5x, अब इसको जोड़िए दोनों को, 10 cos 5x हो गया, भिड़कम। आगे समझ में, बहुत इजी था दोस्तों। अब ऐसा करते हैं कि इसको घुमा देते हैं, हमको यहाँ पर बहुत टेंशन हो रहा है इसके चलते, तो ऐसा करते हैं कि 10 cos 5x को आगे बुलाते हैं, बीच में -24 sin 5x ले लेते हैं, ठीक है, तो 10 यहाँ पर, यहाँ पर 24, तो इसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 24 आता है, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, कॉमन क्या लेंगे 2, तो 2 को बाहर निकालिए, ई टू द पावर एक्स, 2 5 जा 10 ना, cos 5x, और यहां पर 12 sin 5x हो गया, बन गया, आ गया समझ में, बहुत इजी था, कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ई टू द पावर 6x cos 3x। सबसे पहले जल्दी से लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर 6x cos 3x, डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये भी डिफरेंशिएट होगा ये भी होगा, यानी कि यू इंटू वी, ई टू द पावर 6x कॉस 3x, ओके। यू मानिए इसको, भी मानिए इसको, यू को आराम दीजिए, चलिए आराम देते हैं, जाओ आराम करो। कॉस 3x को काम पर लगाते हैं, बीच में प्लस, अब आराम देना है किसको, आराम देना है इसको, कॉस 3x डिफरेंशिएट करना है किसको, ई टू द पावर 6x, दिख रहा है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है, प्लस कॉस 3x डिफरेंशिएट करते हैं ई टू द पावर 6x को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर 6x को वैसे ही रहने दीजिए, कॉस 3x को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, फिर 3x को भी तो करेंगे ना डिफरेंशिएट, 3x को भी करेंगे, और फिर इसके बाद प्लस कॉस 3x। अब देखिए ए टू द पावर 6x है, तो ए टू द पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, तो ये एकदम सेम टू सेम ही लिखा जाएगा, कैसे लिखाएगा देखिए, ई टू द पावर 6x, लेकिन फिर सवाल खड़ा होगा कि 6x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, 6x को भी डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप बोलिएगा कि ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट जब हम लोग करते हैं तो ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स को कहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, करते हैं दोस्तों, लेकिन जानते हैं ना आपकी एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1, ठीक है, तो 1 इंटू ई टू द पावर एक्स कितना होगा, ई टू द पावर एक्स ही ना होगा, तो इसीलिए यहाँ स्पेशल केस है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। ये ऐसा करिए कि माइनस को आगे बुलाइए भाई, ई टू द पावर 6x साइन 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करिए 3, इसको भी बुला लीजिए आगे, आगे बुला लीजिए, कॉस 3x डिफरेंशिएट करिए 6, बस बस हो गया हमारा, बन गया डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा करिए कि 3 को आगे बुलाइए, स्टेप बाय स्टेप तो बनाना है, कोई दम थोड़ी है क्वेश्चन में, और फिर इसके बाद 6 को आगे बुलाइए, 6 ई टू द पावर 6x कॉस 3x, ठीक है, आ रहा समझ में सब चीज़ अच्छे से। अब इसमें तो कॉमन हम लोग निकाल सकते तो हैं, निकाल दिया जाए, निकाल ही दिया जाए, अच्छा रहेगा, ताकि आगे डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा। तो देखिए 3 इसमें भी छुपा हुआ है, 3 इसमें भी छुपा हुआ है, तो पहले तो ऐसा करिए इसको घुमा दीजिए, ठीक है, 6 ई टू द पावर एक्स कॉस 3x घुमा दिया हमने, फिर यहाँ माइनस लिख दीजिए, इससे कॉमन निकालिए, 3 निकलेगा कॉमन, 3 ई टू द पावर 6x, ओके, अब यहाँ पर 3 टू जा होगा 6 कॉस 3x, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यानी कि लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे साइन 3x, ठीक है, आ रहा समझ में अच्छे से, बहुत ईजी है दोस्तों। तो अब ऐसा करिए, हम इसको काट देते हैं अभी, इसको इतना ही तक रहने दीजिए, ठीक है, इसको इतना ही तक रहने देते हैं, और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं इसका दूसरा बार, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना, पेचीदा बन जाएगा, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ओके, तो क्या है, जो भी लिखा हुआ है पूरा लिखिए, टोटल 6 ई टू द पावर 6x कॉस 3x, 3 ई टू द पावर 6x साइन 3x, ओके। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 6 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, 3 भी कांस्टेंट नंबर है, और ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा,
ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो पता है कि इसमें यू इंटू वी लगेगा, इसमें भी यू इंटू वी लगेगा, तो क्यों ना इसको बांट लेते हैं और आराम से बनाते हैं। इसको बांटा जाए पहले, तो सिक्स को आप ऐसा करिए कि बाहर लिखिए, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पर ए टू द पावर 6x cos 3x। चलिए अब तो इसको आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस है, याद रखिएगा माइनस है दोस्तों, पहले ही से अलर्ट हो जाइए। फिर इसके बाद यहाँ पर थ्री ई टू द पावर 6x sin 3x, ओके ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको यू मानिए, इसको भी मानिए, इसी तरह से इसको भी यू मानिए, इसको भी मानिए, और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 6 है, एकदम मज़े से बाहर रहने दीजिए उसको, भाई जाओ साइड में मस्त रहो। अब इसको जो है ए टू द पावर 6x और डिफ्रेंशिएट करना है cos 3x को। फिर इसके बाद बीच में प्लस, फिर अब करना है ये cos 3x को, एकदम आराम से देखिएगा दोस्तों, एकदम सतर्क से cos 3x को आराम दीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए ई टू द पावर 6x को, ठीक है। यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट रूल बन चुका है, यहाँ तक तो बन चुका। अब आगे का देखिए, माइनस है तो सबसे पहले तो माइनस है, तो माइनस पता है कि बाहर एकदम ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो है सारे के सारे से मल्टीप्लाई होने वाला है, जो जो आने वाला है, याद रखिए। तो एकदम मजा से आराम से -3 लिखा हमने, ब्रैकेट लिखा, अब यहाँ पर यू इंटू वी के हिसाब से बनाइए। ई टू द पावर 6x डिफरेंशिएट sin 3x, सॉरी, फिर बीच में प्लस, फिर इसके बाद sin 3x डिफरेंशिएट ई टू द पावर 6x। बस बस बस, अब इसी के राह कदम पर हम लोग को चलना है, हमने सेटअप कर लिया अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं इसको, 6 को वैसे ही रहने दीजिए, और इसके अंदर जो जो डिफरेंशिएट करने लायक है उसको पहले डिफरेंशिएट करिए। सबसे पहले तो ए टू द पावर 6x कॉस का डिफरेंशिएट होता है -sin, जो भी उसके साथ लिखा हुआ है लिख दीजिए। अब 3x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन प्लस cos 3x, ओके रुकिए रुकिए रुकिए, ई टू द पावर 6x को भी आप डिफरेंशिएट करना है, तो ई टू द पावर x वही हो जाएगा, लेकिन फिर 6x को भी डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं ई टू द पावर, नहीं, यहाँ 6x को करना होगा। क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर, आ गया समझ में, कहाँ तक काम किए हम लोग, इसका काम किए, ठीक है, प्लस cos 3x लिखे, ठीक है, ई टू द पावर 6x का डिफरेंशिएट किए, वही आएगा सेम टू सेम, फिर 6x को भी डिफरेंशिएट किए, ठीक है, रुक जाइए। अब ब्रैकेट क्लोज करने का बारी है, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, -3, अब यहाँ पर इसी के साथ -3, अब इसमें भी उसी तरह से काम करना हम लोग को, ई टू द पावर 6x sin 3x का डिफरेंशिएट कितना होगा cos 3x, अब इसमें डिफरेंशिएट 3x को भी करेंगे, कर दिया हमने, प्लस sin 3x ई टू द पावर 6x का डिफरेंशिएट ई टू द पावर 6x, फिर 6x को भी डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, d²/dx²। सबसे पहले अब इसमें क्या क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है, इसमें भी डिफरेंशिएशन करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, एकदम आराम से बनाइए, कोई घबराहट नहीं है। जैसे जैसे जो लिखा हुआ है, पहले तो माइनस को आगे बुला लीजिए, ठीक है, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा 3, तो थोड़ा ध्यान रखते हैं, आगे माइनस को बुलाया हमने, ठीक है, sin 3x, ओके 3x हो जाएगा ना डिफरेंशिएट, प्लस cos 3x e टू द पावर 6x को हम आगे बुला लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है, ई टू द पावर 6x cos 3x, बहुत ही आराम से देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा,
चलिए यहाँ तक काम हो गया। अब -3 है, -3 इसको वैसे ही लिखिए, ई टू द पावर 6x कॉस 3x, इसका डिफरेंशिएट 3 हो जाएगा, प्लस साइन 3x ई टू द पावर 6x लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया। अब आगे किस तरह से खेलना है हम लोग को? खेलना यह है कि 3 को आगे बुला लीजिए, 6 को आगे बुला लीजिए, इसको भी ऐसे ऐसे करके आगे बुलाइए, थोड़ा भीड़ उड़ कम करिए। आगे बुलाइए -3e का पावर 6x, साइन 3x, हाँ आराम से आराम से। फिर 6 को आगे बुलाइए, 6e टू द पावर 6x कॉस 3x, हो गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर माइनस है, -3 लिखिए और e को आगे बुलाइए, 3 को सॉरी। फिर इसके बाद कॉस 3x प्लस 6 को आगे बुलाइए, एकदम धैर्य रख के बनाना है दोस्तों, धैर्य तो हम रख नहीं पा रहे हैं, खुद गड़बड़ कर दिए। देखिए यहाँ पर 6e टू द पावर 6x को आगे बुला लीजिए और लिख लीजिए sin 3x। आ रहा समझ में? अब क्या करना है हम लोग को? अब ऐसा करना है कि सिंपल वे में 6 से सब में मल्टीप्लीकेशन करिए और 3 में सब में मल्टीप्लाई करिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, d²y dx² 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -18 sin 3x, 6 6 जा 36 ई टू द पावर 6x कॉस 3x, हाँ। ये हो गया ना इसके साथ। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, -3 3 जा 3 3 जा 9 ई टू द पावर 6x कॉस 3x, कोई दिक्कत। अब ये माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 3 × 6 18 हो जाता है, ई टू द पावर 6। और ये देखिए देखिए, यहाँ पर अगर x रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन गलती पकड़ा गया, 6x होगा दोस्तों, ई टू द पावर 6x, सेम टू सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ई टू द पावर 6x था लेकिन हम नहीं लिखे थे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आराम से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 6 3 जा 18 ई टू द पावर 6x, फिर इसके बाद sin 3x, बस हो गया, बन गया आप क्वेश्चन। अब जो जो जैसा है जैसा है, इसके जैसा खोजिए कहाँ है, इसके जैसा यहाँ है ना, इसके जैसा कहाँ है, इसके जैसा कहाँ है, इसके जैसा यहाँ है, बस अब जो जो जैसे जैसे उसके हिसाब से बना दीजिए। -18e टू द पावर 6x, -18e टू द पावर 6x sin 3x, दोनों सेम टर्म का है, सेम ही जैसा है, तो ये जुट जाएगा ना, और माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 36 हो जाएगा, एकदम आराम से बनाइए, बन गया है क्वेश्चन। बस यही क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का दम भी है और बाकी में सब हवा है। प्लस माइनस दोनों सेम टर्म, तो प्लस जो है वो बड़ा है, जीत गया, घटेगा तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27e टू द पावर 6x, कितना छोटा हो गया ना, हो गया ना इतना छोटा। आ रहा समझ में सब चीज? अब इसको थोड़ा घुमा दीजिए, d²y dx² 27e टू द पावर 6x कॉस 3x -36e टू द पावर 6x sin 3x। देखिए कुछ ना कुछ तो इसमें इसमें मिलता जुलता है, क्या मिलता जुलता है, 27 और 36 है ना, तो किसके टेबल में आता है दोनों, तो 9 3 जा 27 होता है, 9 4 जा 36 होता है, तो 9e टू द पावर 6x को कॉमन निकाल देते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई नहीं काटेगा, किसी का हिम्मत ही नहीं है काटने का, 9e टू द पावर 6x, ओके,
नाइन थ्री जा 27, कॉस 3x, नाइन फोर जा साइन 3x। आ गया समझ में? ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों में से आप जो भी चाहते हैं लिखना लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स एक्स। 8 नंबर, टेन इनवर्स एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। आ गया समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है? बहुत इजी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, और क्या, कितना इजी था। तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें डिफरेंशिएट जैसे ही करिएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए जी आराम से बनाते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ परेशानी हो जाएगा, करी इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ही इजी है दोस्तों, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको उड़ाइए ऊपर, उड़ाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो इसका पावर में -1 आ जाएगा जैसे ही ये ऊपर जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे कि ये -1 को आगे बुलाइए, क्योंकि हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 1 + x² -1, फिर यहाँ पर भी -1, ठीक है। अब ये माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं, आप जानते हैं 1 रहता है छुपा हुआ। 1 + x², इसको आप जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये जहां से आया था वहां पर इसको उतार दीजिए, तो -1/1 + x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, आ रहा समझ में? तो यहां पर एक चीज और छूट गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि इसको तो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 1 + x² को डिफरेंशिएट करना ही भूल गए, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ध्यान से सुनिएगा, इसको डिफरेंशिएट करना भूल गए। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा x² का 2x। अब 2x से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, अब इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो -2x/1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, बन गया। तो इतना इजी है बताइए। चलिए हो गया, आगे समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लॉग लॉग एक्स, सबसे पहले लेट वाई इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स। सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसके बाद यहाँ पर लॉग, फिर लॉग एक्स। चलिए चलिए, बहुत इजी है, बहुत इजी, हवा है तो हवा मिठाई है, ठीक है ना। तो लॉग एक्स का, यानी कि एक्स की जगह पर लॉग एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x की जगह पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है आराम से उसको लिख दीजिए। अब फिर सवाल आएगा कि लॉग एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 1/log x। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। आ रहा समझ में? हो तो गया, बन तो गया, कितना इजी था ये तो, हवा था।
ये तो हवा था, ये तो हमारा हो गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और असल में अब आप बोलिएगा कि अरे बाप रे बाप, ये 1/x log x है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बस ऊपर उड़ाइए और इसका पावर -1 में कीजिए, जय सिया राम, ठीक है। तो d²y dx² क्या हो जाएगा जी, आराम से लिखना है, कैसे जी, 1/x log x जी। कैसे करना है, इसको ऊपर उड़ाना ना, ऊपर उड़ाएंगे तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, dx² उड़ाइए ऊपर, उड़ाए उड़ाए उड़ाए, -1, ओके। तो अब ये -1 को आगे बुलाना होगा क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो आ गया आगे, फिर इसके बाद x log x -1, फिर यहाँ पर -1। अब सवाल आएगा कि ठीक है, इसका तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, लेकिन इसको भी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस इसी तरह से लिखिए, x log x, और यहाँ पर अब इसमें u इंटू v का फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो ऐसा करिए कि ब्रैकेट लिखिए, x को u मानिए, v को log मानिए, x को आराम करने बोलिए, आराम करो भाई, और log x को काम पर लगाइए। फिर उसके बाद log x को आराम दीजिए और काम पर लगाइए x को, हो तो गया d²y dx² -x log x का पावर -2। एक्स को वैसे ही रहने देंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x, बहुत सिंपल है, मन में लड्डू फूट रहा होगा कटने का। और फिर इसके बाद जो है लॉग एक्स, इसका क्या हो जाएगा, 1, लिखना जरूरी है, लिख देते हैं, ओ सिटी फिर से बच गया। अब यहाँ पर देखिए d²y dx² -x log x -2, क्या बचा है यहाँ पर दोस्तों, 1 बचा है और यहाँ पर log x बचा है, बस बस हो गया। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी ये आपका आया। तो इसको ऐसा करिए कि जहाँ से आया था ना, इसको वहाँ पर भेज देते हैं, आप इसको पहले भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर -1/ लिख सकते हैं, x log x का पावर माइनस, अब हट जाएगा माइनस, हट जाएगा, बच जाएगा 2, ठीक है, 1+log x d²y dx², तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस इस तरह से हो जाएगा, 1+log x x log x का होल स्क्वायर, बस 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 बन गया दोस्तों, बहुत इजी था, आ गया समझ में दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन log x, चलिए इसको ही बना लेते हैं।